छोड़ दो मेरे बेटे को। मेरी बच्ची, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गई। माँ, माँ, छुटकी, ये आपकी माँ? छुटकी और मोहना की माँ, तुम्हारी नानी। वैद्यश्री, वर्तमान क्या बोल रही है? सच में तुम्हारी माँ? हाँ, ये मेरी माँ है। दामाजी, तुम्हें आदमी पसंद आया, वो भी ऐसा, ये तुम्हारी तो क्या मोहना के भी लायक नहीं है। तुम्हें तो किसी राजा महाराजा से शादी करनी चाहिए थी, ना कि ऐसे इंसान से। मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने का आपको कोई हक नहीं है। सास का दामाद पर हक होता है, जानते हैं? छुटकी हमेशा से ही मेरी लाडली रही है, इसलिए मोहना हमेशा इससे जलती है। मुझे पता है कि मोहना ने आप सबको बहुत परेशान किया है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अब जैसा भी है तो मेरी बेटी ही ना। बस करो माँ। माँ नहीं प्रथमायन, भूल गई? मैंने तुझे माँ बोलने का हक नहीं दिया। माँ बोलने का हक मैंने सिर्फ छुटकी को है। मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। ओह, बातों बातों में तुम्हें भूल ही गई कि मुझे कहीं जाना है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगी। निशा जी, उठिए, उठिए, आप ठीक हैं? Yeah, I'm all right. छुटकी के संबंधी हो, इसीलिए माफ कर दिया। दोबारा ऐसी गलती मत करना। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ प्रतिभायन, लेकिन परी के बगैर। वो अम्मा कह रही थी चुड़ैल शास्त्र में भस्मिका के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जब भगवान तुमको गज भर लंबी जवान दिया है तो हाथ नचा नचा के काहे बात कर रही है? अरे मुंह से बोलिए ना भाई। और अब तो हमारे पास ही सुनने वाला मशीन भी है, हम सुन भी सकते हैं। तो बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? खुल के बोलिए। अगर मशीन लगाई होती तो सुनाई देता है? मशीन लगाई होती तो आपको सब कुछ सुनाई देता। धीरे बोलो, धीरे, सुनाई दे रहा है। अब हमारी क्या गलती है इसमें? अच्छा, टंकी भर का तो ये मशीन है, कलर रहे रहे कहाँ कहाँ निकल के छटक जाता है। बोलिए, क्या बोल रही थी? हाँ, तो अम्मा कह रही थी चुड़ैल शास्त्र में प्रथमायन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और निशान जी कह रहे थे कि डायन रहस्य में भी प्रथमायन के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, जब पूरी किताब उप्रथमायन के सामने बैठ के उसके कंसन के जरिए लिखी गई है, उसकी कमजोरी कहाँ से मिलेगी उसमें? अरे भाई, वो अपनी कमजोरी थोड़ी ना बताएगी। कमजोरी ना सही, लेकिन अपने ताकत के बारे में तो जरूर बताया होगा। कहे? क्योंकि काली शक्तियों को अपना गुणगान करने का बहुत शौक होता है। शौक नहीं है, बीमारी है। अच्छा सुनिए आप,
इसलिए हमें लगता है कि प्रथमायन अपने डायन रहस्य में अपनी ताकत के बारे में जिक्र किया ही होगा। तुम सचमुच इतनी बेवकूफ हो या गलती करके ना सीखने की तुम्हारी आदत है? मैं प्रथमायन हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और मैं उसकी बेटी हूँ जिसने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा था। तो तुम्हारी माँ के किए की सजा भी तुम्हें ही मिलेगी, बल्कि तुम सबको मिलेगी। जैसे मैं कैद रही, तुम लोग भी यहाँ सड़ोगे। मेरे रास्ते में कांटे मुझे पसंद नहीं, इसीलिए अब तुम सब यहीं रहोगे। मैंने कहा था ना कि तुमने मेरा नहीं, अपने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर रहे हो। अरे यार सुनो मिसेज जी, इस पर कुछ नहीं लिखा, कद्दू मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा हमको। एक मिनट, क्या हुआ? वो क्या लिखा था? पीछे। अरे यार इसमें कुछ नहीं लिखा है, प्रथमायन की शक्तियां तो छोड़ दीजिए, उसके नाम के आगे का पी जो होता है ना, उसके बारे में भी नहीं लिखा है। बंद करो इसको, अरे समझ नहीं आ रहा। वो कुछ था वहां पे। यार हम तुमसे कह रहे हैं कुछ नहीं है। आप भी हमसे क्यों बहस कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, है, है? अरे यार आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? आप तो पढ़ी लिखी भी नहीं है और आप हमसे बहस कर रही हैं। नमन दकंचा रीवावंची से जो दो दो डिग्री सटा के पढ़ा है, बीए और एलएलबी। आपका ना सिर्फ कान नहीं, उसके साथ साथ याददाश्त भी और आंखें भी खराब हो गई है। उस दिन हमने आपसे कहा था ना कि आपके लिए हमने पढ़ना लिखना सीख लिया। तो क्या करें बताओ? इसीलिए हम कह रहे हैं इसमें कुछ था। चलिए खोलिए। तुमसे बात करना दीवार पे सर मारना है, सच बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ये सब उल्टा कहाँ लिखा है? डायन के उल्टे पैर और प्रथमायन के उल्टे शब्द। रुको, अरे मिसेज जी ये देख रही हैं, ये तो ऊपर आ गया है। अरे सुनो यार, तुम लोग नीचे जाओ नहीं तो रीवावंशी जी हमको भूत बना देंगे। पतिदेव जी, हमें लगता है इससे पहले किसी को ये उल्टे शब्द वाली चाल समझ में नहीं आई होगी। हमें पहली बार ये चाल समझ में आ गई, इसीलिए सारे शब्द उड़ने लग गए। अरे ओके आदि। यस पापा, आप? डोंट वरी आदि, ओके हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढेंगे। माँ, आप पिया, तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं हूं ना भाभी के साथ। अंश के पास जाओ। पापा, आपका हाथ। ओके बेटा। मैं ठीक हूँ भैया, हमें यहाँ से बाहर निकलने का जल्द से जल्द रास्ता ढूंढना होगा। पता नहीं वो दोनों परी को कहाँ लेकर गई होगी। नहीं, डोंट वरी अंश, पापा और चाचा जी रास्ता ढूंढने गए, शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए यहाँ से बाहर निकलने का। और कोई रास्ता नहीं, इस गुफा से बाहर जाने के यही दो रास्ते, और वो दोनों रास्ते बंद हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? इन पत्थरों को हटाना भी नामुमकिन है। अंश और आदि भी इस हालत में नहीं है कि वो पत्थरों को हटा सके। हे भगवान, इसका मतलब हम लोग यही फंस जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है निशान जी? कोई तो तरीका होगा ना यहाँ से बाहर निकलने का।
हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से मदद जरूर मांग सकते हैं। लेकिन वो कैसे पिया? चिमगादड़, ये तो चिपक जाती है ना। अरे यार, बहुत दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ये पहेली को सुलझाते सुलझाते शेखर जी जैसे बूढ़ा ना जाए, हम उनकी तरह सफेद सफेद दाढ़ी लेके ना घूमे। पाजी देव जी, आप बूढ़े नहीं होंगे। अरे लग तो रहा है यार, कहीं उनकी तरह भी कंगी ना करते रहे दाढ़ी में। ए सुनिए मिसेस जी, हमारा कंचा दिमाग जो है ना, ये वाहियात काम में ना मतलब यूज नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है हमको पानी पीना पड़ेगा। पानी पियेंगे तो हमारा दिल हल्का होगा, मतलब दिमाग हल्का होगा। हाँ, हम भी इमली खा के आते, नहीं तो हमारा भी दिमाग नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, आओ चलो। दिलरुब आप तक आए क्यों नहीं? अब तक तो चमगादड़ ने उस तक हमारा मैसेज पहुंचा दिया होगा। चेताली, वो देखो भाभी। में से लावा बाहर आ रहा है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लावा लेक में हमारा लावा केक बन जाएगा। दिलरुबा को केक तो पसंद नहीं ना, मुझे खा जाएगी भाभी। अंश, क्या कर रहा है तू? ये पानी पी लिए, दिमाग ठंडा हो गया, अब देखते हैं क्या। अबे ये पहेली अपने आप कैसे सुलझ गई बे? पतिदेव जी, चमगादड़। ये चमगादड़ शायद हमें ये बताने आए हैं कि वो लोग गुफा के अंदर फंस गए हैं, हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए। पतिदेव जी, आपने फिर से अपनी कान की मशीन गिरा दी है क्या? चीजों को रोकिए, हमें कुछ और सोचना होगा। This is not going to work. जानता हूं सभी, लेकिन हम में से कोई भी इस पत्थर को हिला नहीं पाएगा। अंश, अंश क्या कर रहे हो? अंश रुक जाओ। अंश तुम पर अभी पाताल के तीखा असर है। अंश छोड़ दो। वो बहुत कमजोर है अंश, छोड़ दे उसे। अंश हम कुछ और सोच लेंगे। अंश रुक जा। अरे बेटा, ये स्टंट मारने का टाइम नहीं है। आदि, 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 क्या कर रहे हो? आदि, 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 आदि। क्या बात है, बच्चे का स्टंट काम कर गया। आदि, लावा हमारी तरफ बढ़ रहा है। We need to get out of here. चलिए, चलिए, आदि, 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 अंश आदि कहाँ? आदि बेटा, अंश उठने की कोशिश करो। अंश जी, हमें निकलना होगा, लेकिन कैसे निकलेंगे? नहीं, हम आदि को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान, पहले तो नींबू वाले पानी से काम बन गया था, अब इस मनहूस गुफा में नींबू कहाँ से लाऊं? अब बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। हाँ, क्या करें? लावा हमारी तरफ बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट हम तक आ गया है।
कुछ सोचो भैया, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, आप सब पीछे हटे। क्या पीछे? क्या बोल रहे हो बेटा, पीछे हटो। सब पीछे आइए। वैसे वो बोल रहा था हट जाओ, पीछे पीछे आओ। सब पीछे आइए। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए सब चलिए, चलिए जल्दी कीजिए। पिया, ये पत्थर, मैं जानती हूं ये पत्थर हमें कहां लेकर जाएगा। पिया वहां क्या कर रही हो, जल्दी आओ, कम फास्ट। पिया चलो जल्दी करो। पापा आप सबको लेकर यहाँ से जल्दी निकले, मैं पिया को लेकर आता हूँ। अरे आप अकेले? अंश मैडम, अंश, अंश मैं जानती हूँ ये क्या है। पिया इन सब बातों का वक्त नहीं है, लावा हमारी तरफ बढ़ा, हमें यहाँ से जाना होगा। अंश ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये इकलौता रास्ता हो सकता है प्रथमायन को हराने का। तुम लोग को जल्दी आना होगा। ओके पापा आप सबको लेकर निकलिए, मैं पिया को लेकर आता हूँ। चलो अंश जाइए। अंश मुझे लग रहा है ये सब पत्थर नहीं बल्कि एक चाबी है, और माँ ने इसे कुछ सोच समझ कर यहाँ रखा है। पिया फिलहाल हम इसे साथ लेकर चलते हैं, इसके बारे में हम बाद में पता लगा लेंगे। चलो यहाँ से। ठीक है। घंटियां बिजली क्यों बंद हो गई, हवा तो अब भी चल रही है। अच्छा संकेत नहीं है। हे भगवान, शिव भोलेनाथ का डमरू भी गायब हो गया। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि अब वक्त आ गया है। पतिदेव जी आप इस वक्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप उस प्रथमायन के वश में हैं। आप ये मत भूल सकते कि आप एक रीवा वंशी हैं। आप काली शक्ति के आगोश में नहीं आ सकते। पतिदेव जी छोड़िए हमें, प्लीज छोड़िए हमें। पतिदेव जी आपने कान वाली मशीन लगाई है ना, पतिदेव जी हमें मत बांधिए। पतिदेव जी प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा मुंह मत बंद कीजिए। Woo!
माँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।